केदारनाथ टूर का फिफ्थ पार्ट है। अभी तक आपने देखा कि हम केदारनाथ पहुंच गए थे और अब हम रेडी हो रहे हैं रंगोली बनाने के लिए। जब मैं बोल रहा था बुरा तो गिर जाएगा अपने आप। मैं दूसरों को पोज़ रही हूँ, दूसरों को पोज़ रही हूँ। ये देखो ये बैठे अरे भाई उसको लगा दे, घुसा दे, सीधा है कवर अप कर लो। तो थोड़ा बहुत लगा दो भाई काजल। ओ भाई क्या है, पाँव पुलिस लगा लगे। हाँ मैंने यहाँ पे लगा दिया, इतने बड़े सर बहुत त्रिशूल का दिख रहा है। अरे पिनारी थी ना आधे अधूरे में चली गई। मैं से ऊपर का पहनाया था दो के। अच्छा तो बाकी कौन पहनाया है? विश्वदी से उम्मीद थी भैया, मेरा भी देख लो यार डिजाइनर। मैं जाऊंगी वहां पे वो बैठने के लिए, वो तपस्या करने के लिए। एक नंबर पहाड़ में एक एक करके सब वहाँ पे बोलना कि अरे वहाँ पे कोई आया है बैठा है, सब कर रहा है। क्या लगाना? मैं जाओ बताओ किस किस स्टाइल में लगाना, आप किस स्टाइल में लगाओगे? आपको गोल 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 करके फिर उंगली उंगली ये हमारी पैलेट है, ये हमारा कलर है और ये हमारा ब्रश है। चलो बनाए, चलो कुछ बनाए। और ये हमारी कलाकारी है महाकाल। हाँ जी फूलों की दुकान मेरा बन गया दुकान। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो परसों रात को हम आ गए थे केदारनाथ और परसों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। कल भी पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, हमें तो लगा कि हम रंगोली बना ही नहीं पाएंगे। और कल किसी ने मुझे कहा था कि कल तो बर्फ गिरेगी और रंगोली तो कैसे ही बनेगी। तो महाकाल की कृपा है और केदारनाथ की कृपा है कि आज धूप है और हम हमारी रंगोली की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। जो गोल चौक है यहाँ से हम पूरा मंदिर तक रंगोली बनाते हुए जाने वाले हैं। तो हमारी स्टार्टिंग करते हैं अब हम। सो हमारी फर्स्ट रंगोली कंप्लीट हो गई है केदारनाथ की, मतलब ऊपर जो हमारा हम ऊपर आए हैं वहाँ की हमारी फर्स्ट रंगोली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने कलश बनाया, अब हम ऊपर चलते हैं और अलग अलग रंगोली बनाते हैं। सो हम भाग भाग के रंगोली बना रहे हैं ताकि बारिश ना हो जाए जल्दी से और हमारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर यहाँ पर धूप निकली थी, फिर से बादल हो गए, शायद फिर से धूप निकलेगी। बट अभी मौसम खुला हुआ है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। दो दिन से जितनी हो रही थी उतनी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। धूप अभी तक बनी हुई है, हमने बहुत सारी रंगोलियाँ बना दी पर धूप अभी तक है। हमारी मेन रंगोली तक के लिए भी शायद रहे, महाकाल प्लीज कृपा करना उसके लिए भी धूप रखना। और नहीं हुआ तो हमने बहुत सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं पर बनाएंगे ज़रूर। रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट होगा, जो रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ था इंदौर से केदारनाथ तक का, तो 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा करेंगे ना। हर हर महादेव। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, ऐसा मैं सोच रहा कि मेरी आवाज़ इसके दूसरे ब्लॉग देखना, दूसरे वीडियोस देखना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ठंड है और पूरे टाइम सारे बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते और मस्ती करते हुए आ रहे हैं, तो गला खराब हो गया। चलते हो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जितने भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं सभी आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, उन्हें एक कंटेंट मिल गया, बहुत मज़ा आ रहा है उन सभी के साथ बात करना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत ठंड थी कल तक, हमारे हाथ कांप रहे थे रात को, तो हम बिल्कुल हमारे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। बट आज महाकाल की कृपा, जितनी बार उनको शुक्रिया करूँ उतनी बार कम है। आज धूप निकली है, वो भी इतनी कड़क निकली है कि हमें ठंडी नहीं लग रही है और बहुत अच्छे से बना रहे हैं।
तो इतनी कड़क धूप है कि आंखें भी नहीं खुल रही है, बट मजा आ रहा है रंगोली बनाने में। यहाँ पर भी हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है, अब हम चलते हैं ऊपर के साइड मंदिर के और पास। नंदी भगवान की रंगोली रेडी हो गई है। हमने जैसे ही पूरा ऊपर आए जहाँ से फ्लैट है पूरा मंदिर तक, तो सबसे पहले नंदी भगवान की रंगोली बनाई। तो अब हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है, मेन रंगोली के लिए हम सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। तब तक मैं जाती हूँ रूम पर थोड़ा सा ये सब क्लीन करके और फिर आती हूँ मेन रंगोली के लिए। बहुत टाइम हो गया था, मैंने बोला कि बहुत धूप है, बट यहाँ पर जल अभिषेक स्टार्ट हो गया है हमारी रंगोली का। सही बात यार, जैसे भगवान किसी के पैरों में नहीं आने देते, हमारी रंगोली हर बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लकी है हम, क्योंकि हर बार सब कोई ना कोई हमें हमको अगर बोलता ही है कि आपने पैरों में रंगोली बनाई है कोई पैर रख देगा, बट उसके पहले ही जल अभिषेक हो जाएगा लोग ऐसे ही हट जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जय श्री केदार, जय श्री महाकाल। जब तक बारिश हो रही थी हमने सोचा कि रंगोली तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते क्योंकि बह जाएगी, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम पहले कुछ खा लेते हैं और फिर आगे काम करेंगे। So, हमारी जो मेन रंगोली है वो स्टार्ट होने वाली है, जो हम केदारनाथ में लास्ट रंगोली बनाने वाले थे वो स्टार्ट हो गई है, ड्रॉ हो गई है, बस मैं उसमें कलर करना स्टार्ट करती हूँ जैसे ही, अभी तो धूप है, जल्दी से बनाते हैं बारिश हो उसके पहले और फिर इसके ऊपर कुछ लगा देंगे हम ताकि ये खराब ना हो, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी रंगोली। यहाँ पर हमारी रंगोली जो माता जी का फेस है वो कंप्लीट हो गया है, नवरात्रि इसलिए हमने शक्ति बनाई है और नीचे हम केदारनाथ जो मंदिर है वो बनाने वाले हैं, बस बारिश ना हो तो हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर बारिश हुई तो हम इसको यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि खराब हो, तो पहले हम ये बनाएंगे और फिर देखते हैं आगे अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम वो भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो गाइज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है जो कि इंदौर से केदारनाथ तक की रंगोली का था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वो रिकॉर्ड लेने के लिए। Later that same evening. तो यहाँ पर ये लोग मुझे कुछ घुमाना सिखा रहे हैं, लट्ठू घुमाना सिखा रहे हैं, लट्ठू घुमाना सिखा रहे हैं, अब जरूरत पड़ता है तो अभी देखते हैं मैं कितना सीख रही हूँ इनसे। सोचिए जाएगा। यहाँ पर हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, हमारी जो रंगोली थी वो बन गई है, नवरात्रि के पहले दिन हमने रंगोली बनाई और उसी के साथ केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और दर्शन हमें करवाए हिमांशु तिवारी जी ने और अनुज तिवारी जी ने, इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा दोनों कामों के लिए, मतलब हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ी, ये लोग रहे तो यहाँ पर, और उसी के साथ साथ जो दर्शन किए हमने अंदर से गर्भगृह से उसमें तो सुकून मिला, मतलब यहाँ तो स्वर्ग है और स्वर्ग में जो भगवान है उनके दर्शन बिल्कुल
बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को मैं बोलना चाहूंगी। और आप सभी आइए यहाँ इस प्लेस का आनंद लीजिए और एक बार आकर देखिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हर हर महादेव। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग हमारा यहीं तक था। सभी के साथ शेयर करो, लाइक कमेंट कर देना और क्या पार्ट अच्छा लगा वो जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।